हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्टेशन। आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल जीएस स्टेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर ही जान गए होंगे कि मैं आज किस चीज़ पे बात करने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस 49,569 रिजल्ट 2019। आप नीचे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सीधा सीधा मैं पॉइंट्स पर बात करूँगा। यहाँ पर देखिए, सीधा सीधा लिखा हुआ है 14 नवम्बर को रिजल्ट डेट हिंदुस्तान ने भी माना। जैसा कि आप सबको कल ही पता चल गया है, कई वीडियो बन चुके हैं इस पे कल ही, कि हिंदुस्तान ने पेपर में निकाल दिया था कि 2-3 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है। इसके विषय में बेहतरीन चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता देना चाहता हूँ, आज के 2 दिन पहले हमने कुल मिला जुला कर 3 वीडियो बना चुका हूँ इसको लेकर के, जिसमें हमने ये कहा है कि 14 नवम्बर को रिजल्ट आएगा। बिल्कुल परेशान मत होइए कोई भी, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो ये कह रहे थे कि फेक जानकारी है, गलत जानकारी है, ऐसा ना करिए, ये गलत है। और क्या तुम्हारे फूफा हैं भर्ती बोर्ड में? कुछ लोग कहते तुम्हारे पापा हैं भर्ती बोर्ड में। अब मैं उनसे जवाब लेना चाहता हूँ, अगर आप सच में स्टूडेंट हो और सच में मेहनत किए हो, तो आप हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर पे जाओ, कमेंट करो, जाओ कंप्लेन करो, वो 2-3 दिन बाद रिजल्ट बताया है, जाके कंप्लेन करो। आपकी हिम्मत नहीं है कंप्लेन करने की? बस क्या हम छोटे यूट्यूबर हैं तो आ जाते हो? हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने नए लोग आते हैं, सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे आते हैं, और वो कौन लोग होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है, 2 दिन से हम पहले से ही बता रहा हूँ कि रिजल्ट आपका 14 नवम्बर को आएगा। बहुत लोग विश्वास किए हुए हैं, हम पे भरोसा किए हुए हैं, लेकिन बहुत लोग विश्वास नहीं किए हैं। जो लोग नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, मत करिए, टाइम आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। हम ये भी साथ साथ कह रहे हैं फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है कि 14 के साथ साथ हम 15 भी कह रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो 15 को आएगा, 14 को नहीं आएगा, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। लेकिन वही क्या है कि लोगों को सिर्फ 14 वाली डेट नज़र आ रही है, 15 वाली बिल्कुल नहीं आ रही है। कई कमेंट्स ऐसे आए कि अगर 14 को नहीं आएगा तो क्या वीडियो बनाना बंद कर दोगे? और कई लोग इस तरह से बोल देते हैं कि 14 नवंबर को रिजल्ट नहीं आएगा तो तुझसे मिलूंगा। भाई हम 15 भी बोल रहे हैं, 15 पे भी आप ध्यान दीजिए, 14 को तो हम कंफर्म बता ही रहे हैं, लेकिन आप 15 में एक दिन तो शुरू से ही बता रहा हूँ। ऐसे बात नहीं कि आज पहली वीडियो में, पहली वीडियो बनाई थी तो भी, दूसरी तो भी, तीसरी तो भी, तीनों में हमने 14 और 15 की जिक्र की हुई है, ऐसा नहीं सिर्फ एक में। तो आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। और रही बात जो हमने कहा कि हमारी बात को आपको नहीं यकीन है, हमने कहा था 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, अब तो हिंदुस्तान ने भी कह दिया कि 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। फ्रेंड्स कल मैं हिंदुस्तान, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान पेपर है लाइव का, कल मैं इस पे वीडियो नहीं बनाया था। रीज़न इसका ये था कि जैसे ही ये खबर हमारे पास आई तो मैं वीडियो तो बना लिया था लेकिन अपलोड नहीं किया था। रीज़न उसका ये है कि मैं कल ही 3 वीडियो दिन भर में बना चुका था, और पहली बार जीवन में 3 वीडियो मैं एक साथ बनाया हूँ, एक दिन में अपलोड किया हूँ। 3 हमारी मैक्सिमम 2 वीडियो आती हैं, नहीं तो 1 वीडियो आती हैं, वो भी वीडियो का टाइम होता है हमारी 9 बजे या फिर 2 बजे या फिर शाम 7 बजे, बस यही 3 टाइम पे हमारी वीडियो आती हैं, इसके अलावा कोई वीडियो नहीं आती। और कल हमने 3 वीडियो पहले ही बना चुका था, इसलिए हमने इस पे वीडियो अपलोड नहीं की कल। यही कारण है कि आज मैं इसको 9 बजे अपलोड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 नवंबर 2019, इसमें क्या क्या लिखा है ठीक तरीके से देख सकते हैं, ये सब आप पढ़ लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा ये आप समझिए कि हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये 3 ऐसे पेपर हैं, ये गलत कभी न्यूज़ देते नहीं हैं। और यहाँ पे वो टेक्निकल प्रॉब्लम या किसी और कारण से ना आए वो बात अलग होता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड UPPRB ने बताया कि, यहाँ पे लिखा है बताया कि, ऐसा नहीं इसमें लिखा है कि मीडिया के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक, ऐसा नहीं, सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि भर्ती बोर्ड ने बताया कि, अमर उजाला सॉरी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ने बताया। अब क्या बताया है यहाँ पे आप नीचे की तरफ ठीक से देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम ना गंवाते हुए यहाँ पे दिखा देते हैं, 27 और 28 जनवरी 2019 को कराई गई लिखित परीक्षा का परिणाम 2 या 3 दिनों में घोषित कर दिया जाएगा, 2 या 3 दिनों में घोषित कर दिया जाएगा। अब आप बताइए ये जो है अमर उजाला कब का है पेपर, 11 नवम्बर का, 11 नवम्बर में हम 3 जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा? आप बताइए, खुद बताइए, आप ही बताइए, 14 आया ना, 14 नवंबर आया ना, आज मैं 3 दिन से बता रहा हूँ आपको 14 कर रहा हूँ, 14-15, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा। बहुत लोग यकीन कर रहे हैं, 70% से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे यकीन कर रहे हैं, लेकिन 5% यकीन नहीं कर रहे हैं। अब वो होते कौन हैं जो यकीन नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में।
तो वो जो स्टूडेंट होते हैं कि जो यकीन नहीं करते, वो किसी ना किसी बड़े यूट्यूबर के साथ जुड़े होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ यही बड़ा यूट्यूबर है जो सही जानकारी देगा, बाकी लोग फेक जानकारी देते हैं, फेक चैनल है। इसी कारण से उनको एक मतलब अंदर से होता है ना कि हम तो इनके साथ हैं, बाकी सब फेक हैं। इसीलिए जो नए आते हैं वही करते हैं ऐसा काम, बाकी कोई नहीं करता। हमारे सब्सक्राइबर तो कभी नहीं करते। बाकी मैं जो डेट बताया हूँ, परेशान मत होइए, 14 इंतज़ार करिए, नए आए तो कहिएगा, नए आए तो 15 इंतज़ार करिए, नए आए तो आप मेरी कोई भी वीडियो आएगी 15 के बाद, आपको जो कुछ भी लिखना होगा लिख दीजिएगा, फुल्ला लिख एकदम एक तरफ से, जो आपको आए जो भी दिल में आए सब लिख दीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बता रहा हूँ, मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी, हमने 14 नवंबर कहा था, अमर उजाला भी 14 नवंबर कह रहा है। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी कही हुई बात जो मैं बोला था ठीक, हिंदुस्तान, अमर उजाला और अन्य जागरण जो है वो बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? ऐसा नहीं कि हमारी वीडियो देख के बोल रहे हैं, नहीं, ऐसी गलत बात वो है, मैं तो बहुत छोटा हूँ। ये लोग सीधा भर्ती से, भर्ती बोर्ड से बात करके बता रहे हैं कि मतलब 14 ही मान सकते हैं, 2-3 दिन का मतलब 14 ही मान सकते हैं, 14-15। तो अब आप हम 2 दिन पहले 3 दिन बना दिए हैं वीडियो, 14 को आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मुझे मालूम है अगर मेरी बात 100% सही भी हो जाती है, जो हमने बताया है वैसे मेरी बात सही होगी, लेकिन अगर हो भी जाती है, मान लीजिए 14 को नहीं थे 15 को आता है, तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो ये बोले हैं कि सर मैं अगर आ गया तो 100-100 लोगों को सब्सक्राइब करवाऊंगा, 50-50 लोगों को सब्सक्राइब करवाऊंगा। भाई जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन आप भूल जाओगे, इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाओगे, मेरा आया कि नहीं आया, कब है कब नहीं है, भूल जाओगे। अभी से मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करवा दीजिए, शेयर करवा दीजिए, आप पे मुझ पर भरोसा है, मैं जान रहा हूँ, मैं भी आप पे भरोसा करता हूँ, धैर्य आप रखेंगे। तो ये आपको जानकारी देनी थी बस फ्रेंड्स, और कुछ नहीं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।